हाई माई डियर स्टूडेंट्स हैव वेलकम टू दिस सेशन सो देर वॉज अ कॉमन क्वेरी कमिंग दैट मैम वॉट शुड वी डू इन ऑर्डर टू इन्हांस आर प्रोफाइल वॉट शुड बी द कोर्सेज दैट वी कैन पिक हाउ कैन वी जस्टिफाई आर गैप यर सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉट आर द सर्टन कोर्सेज दैट यू शुड पिक अप ये कोर्सेज करने के बाद देखिए आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स में हेल्प मिलती है एक तो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में हेल्प करता है दूसरा अगर आपके करियर में रेज्यूमे में एक गैप है उसको भी जस्टिफाइ करने में हेल्प मिलेगी और तीसरा जब आप एक एम बी हैं अभी और जब आप अपनी एमबीए की जर्नी को बिगिन करेंगे वेन कॉलेज इफ यू सेट्स योर जर्नी विल रियली बिकम इजियर सो लेट्स गेट स्टार्टेड माई नेम इज इजूहला तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी स्किल्स आप में होनी चाहिए तो जब हम स्किल सेट की बात करते हैं तो देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है लीडरशिप डेमॉन्स्ट्रेट करना इंपॉर्टेंट है देन वॉट इज रियली नेसेसरी इज दैट आर यू गुड एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स राइट तो अगर आप देखोगे कुछ स्किल सेट्स तो ऐसे हैं जो आप इंटरव्यू के टाइम ही आपको एग्जिबिट करने होंगे डेमॉन्स्ट्रेट करने होंगे या फिर जो आपके पास पैनल होगा जो आपका इंटरव्यू लेगा वो ही आइडेंटिफाई कर लेगा बाई आस्किंग यू वेरियस

रिफ्लेक्ट करनी डेमोन्स्ट्रेट करनी वाइलिंग इन द इंटरव्यू एंड एम बी ए प्रोग्राम स्टार्ट करोगे तो इस आप इंप्रूव करते जाओगे बेटर होते जाओगे एस टाइम पासिसकिल सेट लाइक हैविंग गुड अवेयरनेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स बिकॉज दिस इज रियली इन डिमांड राइट सो अगर हम देखें कि कौन सी ऐसी स्किल सेट्स हैं जो बहुत इन डिमांड है तो जब लिंकड कहता है लिंकड कुछ रिकमेंडेशन देता है तो डेफिनेटली एनालिटिक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एम एस एक्सल और प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात करता है तो ये स्किल्स आपको आपकी एम बी ए जर्नी में भी हेल्प करेंगी और अगर आप अभी से इन्वेस्ट कर लेंगे कुछ कोर्सेज में सो इट विल हेल्प यू बिल्ड अ सॉलिड प्रोफाइल एज वेल तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो सबको करने चाहिए राइट तो आप चाहे एच आर में एम बी ए करना चाहते हैं चाहे फाइनेंस में करना चाहते हैं चाहे मार्केटिंग में करना चाहते हैं या नेशनल बिजनेस में करना चाहते हैं ऑपरेशंस में करना चाहते हैं जो भी डोमेन या स्ट्रीम आप आगे चल के चूज करना चाहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट दीज़ आर सर्टन कोर्सेज दैट एवरीवन ईच वन ऑफ यू मस्ट इन्वेस्ट इन राइट एडवांस एक्सेल एक्सेल आना जरूरी है, हैज बिकम द नीड ऑफ द आवर सो मैं एक कार्ड के फाउंडर का इंटरव्यू देख रही थी तो उसमें उसने कहा कि किसी भी लेवल की पोजीशन में जब वो हायरिंग करते हैं राइट पीयूष बंसल तो उन्होंने कहा कि हम ये चेक करते हैं कि उस कैंडिडेट को एक्सेल आता है या नहीं आता तो अब यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है नहीं आने की यू शुड नो एम एस एक्सएल एंड ऑल्सो सर्टन एडवांस फीचर्स बिल्कुल बेसिक फीचर्स नहीं एडवांस फीचर्स की आपको अवेयरनेस जानकारी होना जरूरी है सो यू शुड इन्वेस्ट इन अ गुड एडवांस एक्सेल कोर्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेश बिकॉज आपको आगे चल के अपने एम बी ए कॉलेज में और आपकी आगे करियर में भी राइट वंस यू आर प्लेसड अ गुड कंपनी यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेश जितनी प्रोमिनेंट इफेक्टिव आपको ये प्रेजेंटेशंस बनानी आ जाएंगी उतना आप एक इम्प्रेशन या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट टैबलू अगेन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड इन डिमांड अगेन बिजनेस कम्युनिकेशन तो बच्चे कहते हैं कि मैम कम्युनिकेशन स्किल्स तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएंगी नहीं ऐसा नहीं है अगर आप किसी कोर्स में इन्वेस्ट कर लेते हो राइट right? जैसे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था कुछ टाइम पहले तो मैंने कहा था कि लिंकडिन एक बहुत अच्छा कोर्स ऑफर कर रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन में एंड यू शुड डू दैट तो देखिए जब आप एक कोर्स में इनरोल करते हैं तो आपको नू पता चलते हैं जिसके बारे में आप अवेयर ही नहीं थे सो नाउ व्हेन यू आर स्ट्रेटेजिकली बीइंग गाइडेड एंड यू नो व्हाट आर द एरियाज टू एक्ट अपॉन यू आर मोर अवेयर ऑन द पाथ ऑफ इंप्रूवमेंट राइट आप ज्यादा विजडम के साथ उन पॉइंटर्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो अब विदाउट प्रॉपर गाइडेंस तो आप रैंडम तरीके से इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं सो so वी

फाइनेंशियल एनालिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग वी बी ए एंड मैक्रोस ये अगर स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू फाइनेंस राइट तो अगर आप इस डोमेन में एक्सेल करना चाहते हो या अपना करियर देख रहे हो इंश्योर डेट यू डू सम एलिमेंट्री लेवल कोर्सेज सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज सो दैट यू कैन शो इन योर प्रोफाइल तो जब हम अपने रिज्यूमे में इन कोर्सेस को मैंशन करते हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब इंटरव्यू के टाइम जाओगे आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए बिकॉज यू विल बी क्रॉस क्वेश्चन राइट सो इन रोल इन अ प्रॉपर कोर्स एंड स्टडी इट सो नाइसली दैट यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन तो ये आपको एज दे रहा है राइट right? आपको दूसरे कैंडिडेट के कंपेरिजन में एज मिलता है बिकॉज देन वॉट आर the you know what is what is the impression that you are trying to convey that you are a person who believes that self-improvement is necessary upskilling is important and you are taking you know a decided decision to invest in the right direction right invest in yourself and that too you can see your career ahead so you are being proactive here right so you could pick up these courses if you are specifically looking for your career in finance गोइंग अहेड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ करियर इन मार्केटिंग देन डिजिटल मार्केटिंग टेबुलू तो तो मैंने टैबलू तो आपको कही है कोई भी आप स्ट्रीम uh, एस्पायर कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप एम बी ए करना चाहते हो टैबलू इज मस्ट टू डू अगेन एनिमेशन डिजाइनिंग कॉन्टेंट क्रिएशन वेबसाइट डेवलपमेंट ये आप असेंशल्स हो गए हैं क्योंकि जितना सोशल मीडिया का रीच और इम्पैक्ट बढ़ रहा है या जितना पेस पे कम्युनिकेशन ग्रो कर रहा है उतने ही पेस पे आपको ये स्किल सेट्स इनहेरिट करने बिल्ड करने राइट सो इफ यू आर लुकिंग फॉर मार्केटिंग दीज आर मस्ट डू कोर्सेज दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू परस्यू गोइंग अहेड इफ यू आर एन एस्पिरंट टारगेटिंग टू डू एन एमबी इन ह्यूमन रिसोर्सेज अगेन कम्युनिकेशन तो एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है व्हेन यू आर एसोसिएटेड विद एन एचआर डिपार्टमेंट अब बिजनेस कम्युनिकेशन लाइक आई सेड इन द बिगनिंग कि आप अल्टीमेटली किसी भी लेवल पे हो यू विल ग्रो अप द लैडर तो हरारकी में ऊपर जाने के लिए वही मतलब एक स्टडी भी शो करती है कि टेक्निकल स्किल्स के अलावा जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है आपकी लीडरशिप कैसी है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है आप प्रेशर कैसे हैंडल कर पाते हो राइट आप अपने आइडिया को अपने जूनियर तक कैसे पहुंचा पाते हो या सीनियर तक कैसे पहुँचा पाते हो आप रिपोर्टिंग कैसे कर रहे हो आप फैक्ट्स कैसे प्रेजेंट करो आप मीटिंग कैसे ले रहे हो आप प्रेजेंटेशन कैसे डेमॉन्स्ट्रेट करो आप नेगोशिएट कैसे कर रहे हो राइट ये सारी की सारी स्किल्स आपको जानना जरूरी है आना ज़रूरी है टू लैडर राइट तो जो मैनेजर्स ऊपर तक जाते हैं सीनियर पोजिशन लेते हैं वो स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और वहीं पर उनको एज मिलता है so, तो बिजनेस कम्युनिकेशन तो लाइक आई सेट दैट एनी डोमेन यू नीड टू हैव गुड बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स नाउ टाइम इज गॉन जहाँ पे एक अच्छा कम्युनिकेशन हम सोचते थे कि कोई स्पीकर है या नरेटर है राइट right, या yeah, कोई कोच है उसको आना जरूरी है या एच आर से ही रिलेट करते थे अब इट एज बिकम द नीड ऑफ द आवर राइट बट स्टिल एच आर में तो बहुत ही वैल्यू बढ़ जाती है पावर पॉइंट एडवांस एक्सएल आना चाहिए टेबलू आना चाहिए सो so, कुछ जनरल कोर्सेज तक आप इमर्ज करके आ सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली यू नो इंश्योर देट यू पुटिंग यू नो योर टाइम एंड मनी राइटली राइट गोइंग अड एज फार एज डेटा साइंस इज कंसर्न एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस रियर्ली इन डिमांड दीज डेज राइट तो एनालिटिक्स में आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग टेबलू के कुछ कोर्सेस को पिक कर सकते हो और अगर आप फ्री लांसिंग या बिजनेस रिलेटेड कुछ कोर्सेस करना चाहते हो देयर कैन बी सम टू बिकम ऑन्ट्रोप्रोन्यस लेटर राइट सो यू कूड पिक अप दीज कोर्सेज ऑन कॉन्टेंट क्रिएशन डिजाइनिंग कोर्सेस वेबसाइट डेवलपमेंट एथिकल हैकिंग एनिमेशन सो दिस वुड रियली हेल्प सो आप

Basically, upskilling yourself, you were honing your skill set, you were developing certain skills, right? Developing certain traits. So, that's how you can have a good reasoning during the time of interview. And again, very important, you should be able to back up your pointers presented, the courses that you've invested in, whatever questions are asked during the interview, you should have solid and the right answers with you, right? देन ऑफ़ कोर्स कुछ जनरल सजेशन प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए ये रहेंगे कि पार्टिसिपेट इन कैंपस अम्बेसडर प्रोग्राम फिजिक्स वाला ने भी रिसेंटली एक अपना कैंपस कैंपस अम्बेसडर प्रोग्राम को लॉन्च किया था सो यू कुड इन्वेस्ट देयर यू कैन वर्क विथ सर्टन एन जी ओज आप कुछ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को पिक कर सकते हो आप कुछ एडिशनल लैंग्वेजेस को पिक कर सकते हो राइट right? सो so, इससे क्या होता है आपका हॉलिस्टिक ग्रोथ होगी आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी आप स्किल्स सीखोगे आप कॉन्फिडेंट फील करोगे राइट जब हमें कोई नया स्किल आता है इट इज़ बाउंड टू ब्रिंग सम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन अस एंड इफ़ यू आर मोर कॉन्फिडेंट देन यू विल बी एबल टू हैंडल स्ट्रेस इंटरव्यूज यूल बी एबल टू आंसर द पैनल तो जो इंटरव्यूज uh, में स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं Most of the students are very well prepared, right? So, prepare well for life, utilize this particular year very nicely, enroll yourself in some good courses, and make yourself stronger and wiser each passing day. Keep working hard, stay consistent. All the best.